दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन अमेजन को देखना प्रकृति प्रेमियों का एक सपना होता है। हालांकि सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षावन के भीतर बिना तैयारियों के जाना जोखिम भरा हो सकता है। इस जंगल में छोटे से लेकर बड़े तक दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक शिकारी हर वक्त अपने शिकार के इंतजार में रहते हैं। आइए एक नज़र अमेजन के 5 सबसे खूंखार शिकारियों पर डालते हैं। ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा ब्राजील के अमेजन और दक्षिण अमेरिका के कुछ अन्य हिस्सों में पाया जाने वाला एक नॉनवेनेमस सांप है। यह अमेजन की सबसे डरावनी और खतरनाक प्रजातियों में से एक है। ग्रीन एनाकोंडा दलदलों में रहते हैं और लगभग पूरी तरह से पानी में डूबे रहते हैं और पानी पीने के लिए आने वाले जानवरों पर हमले की घात लगाए बैठे रहते हैं। ग्रीन एनाकोंडा जहरीले नहीं होते हैं, इसलिए ये अपने शिकार को कुंडल के भीतर जकड़ लेते हैं और दम घोंटकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग को धरती पर रहने वाला सबसे घातक जीव भी कहा जाता है। अमेजन में पाए जाने वाले ये चमकीले मेंढक देखने में सुंदर लग सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियों की त्वचा में बेहद खतरनाक जहर होता है जो 10 वयस्क मनुष्यों को मारने के लिए काफ़ी होता है। इसमें गोल्डन पॉइजन फ्रॉग सबसे जहरीली प्रजातियों में से एक है। इन मेंढकों में बैट्राकोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। इसकी बहुत मामूली मात्रा भी लकवा और मौत का कारण बन सकती है। अमेजन वर्षावन में आने वालों के लिए मच्छर भी एक खतरनाक जीव साबित हो सकता है। मच्छर अमेजन के गर्म और नम उष्णकटिबंधीय वातावरण में पनपते हैं। ये मच्छर मलेरिया और येलो फीवर का कारण बनते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को इनसे बचने के लिए येलो फीवर वैक्सीन जैसी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इलेक्ट्रिक ईल ब्राजील में अमेजन नदी के पानी के नीचे तैरने वाले एक खतरे का नाम है। यह मछली खतरा महसूस होने पर बिजली का जोरदार झटका देती है। यह झटका एक वयस्क इंसान को बेहोश करने के लिए काफ़ी होता है। मनुष्यों पर घातक हमले दुर्लभ है, लेकिन कुछ मामलों में इंसान बेहोश होकर पानी में डूब भी सकता है। कई झटके इंसान की जान भी ले सकते हैं। इस खतरनाक चींटी को बुलेट एंट इसके डंक के कारण कहते हैं। यह चींटी काटने पर असहनीय दर्द पैदा कर सकती है। श्मिट स्टिंग पेन इंडेक्स बुलेट एंट के डंक को 4+ रेटिंग के साथ सबसे दर्दनाक के रूप में रैंक करता है। कुछ पीड़ितों ने दावा किया है कि दर्द गोली लगने के बराबर है। एक बार काटे जाने के बाद दर्द पीड़ित को 24 घंटों तक परेशान कर सकता है।